हेलो स्टूडेंट्स, 10.1 समझ में आ गई होगी। मैंने सारा सर्कल सब बता दिया था। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में, हमने पढ़ा है और ये पहले भी आप पढ़ चुके हो कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया जाता है, वहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ये थ्योरम है और इसका बहुत यूज़ है। आगे हम 11th लेसन में भी करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन में, उसमें भी हम ये पढ़ेंगे कि सर्कल के बाहर दिए हुए पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉन एंड दैट विल बी इन द इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तब हमने ये पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपकी एनसीईआरटी से ही है। थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। सबसे पहले ये गिवन थ्योरम में पॉइंट क्या होते हैं, गिवन थ्योरम में ध्यान से सुन लीजिए, स्टेटमेंट के बाद गिवन आधा नंबर, फिर उसके बाद आता है टू प्रूव, ये टू प्रूव, फिर आता है कंस्ट्रक्शन, फिर आता है प्रूफ। अगर हम प्रूफ से पहले लिख देते हैं तो टू मार्क्स हमारे बन जाते हैं, हाफ मार्क्स फिगर का, हाफ मार्क्स गिवन का, हाफ मार्क्स टू प्रूव का और हाफ मार्क्स कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो इसमें हमें क्या, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड टू टेंजेंट्स पी क्यू पी आर ऑन सर्कल फ्रॉम पी। क्या कहा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसके बाहर एक पॉइंट पी है, वहां से दो लाइंस पी क्यू और पी आर जा रहे। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, वी ज्वाइन ओ पी ओ क्यू और ओ आर, ओ पी ओ क्यू ओ आर। अब देखो ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, पी क्यू ओ पी आर ओ। अब ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। ये पढ़ा था ना 10.1 में हमने थ्योरम में, ये रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एंगल आर 90, इसमें एंगल क्यू 90, इसमें ओ क्यू और ओ आर। रेडी ऑफ द सर्कल, ओ पी कॉमन, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, जब कांग्रुएंट तो पी के और पी आर सी पी सी टी सही। अब ये प्रूफ है, प्रूफ देन एंगल ओ क्यू पी ओ आर पी राइट एंगल्स। अब प्रूफ लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल्स ओ, यहाँ से प्रूफ शुरू है, इन राइट ट्राइंगल्स ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, जब राइट ट्राइंगल्स हो गए एक पॉइंट, तो यही हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री एंगल है। ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ आर पी, बेशक यहाँ एक स्टेप लिख भी सकते हो, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ क्यू और ओ आर, ओ क्यू और ओ आर, रेडी ऑफ द सर्कल, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन, देन ट्रायंगल्स ओ क्यू पी ओ आर पी आर एच एस कांग्रुएंट, देन पी क्यू और पी आर आर कांग्रुएंट। ठीक है, इस थ्योरम को अच्छे से करना है आपने, बहुत बढ़िया तरीके से करना है, अच्छे से समझ के करना है। इसी बेस पर हमारी एक्सरसाइज 10.2 शुरू हो रही है। अब हम वो करते हैं, एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, एक्सरसाइज 10.2 देखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यहाँ से टेंजेंट सर्कल को टच करेगी 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और इस क्यू का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 25, रेडियस निकालनी है। अब ये देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये निकालना है। ये देखो इसी मेथड से ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, 25 स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, 625 माइनस 576 49 स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ए इज द ऑप्शन, वेरी सिंपल। सेकंड,
इन फिगर दिस टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी ओ क्यू इज 110, देन पी टी क्यू इज इक्वल टू ये वाला 70 डिग्री आएगा। देखो कैसे, ये 110 है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90, ये 90, इन तीनों को प्लस कर दो, ये क्वाड्रिलेटरल है, 360 में से इन तीनों का प्लस करके निकाल दो। देखो ये सॉल्यूशन, देखो ये 110 है, ओ पी टी 90, ये ओ पी टी, ये ओ पी टी 90, ओ क्यू टी ये 90, पी ओ क्यू 10, टी पी क्यू इज क्वाड्रिलेटरल। अब इन दोनों का सम 180, इन दोनों का 180, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। डन। If tangents PA and PB from point P to a circle with center O inclined to each other and angle 80 degree, then POA is equal to, ये फिगर देखिए, ये है POA, ये पूरा 80 डिग्री का है, ठीक है। अब इसमें फिर वही वैसे ही जैसे अभी हमने थ्योरम में किए थे, दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, तो ये कांग्रुएंट कर लेने हैं, POA और POB, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये OA is equal to OB, और PO और PB इक्वल होती हैं tangents, ऐसे 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 ट्रेंगल्स कांग्रुएंट हो गई, कांग्रुएंट हो गए तो यह एंगल हाफ हाफ क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, ये 40 डिग्री आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ये 80 है, ये वाला एंगल इक्वल ए पी ओ और ओ पी बी, 40 डिग्री आ जाएंगे ये। अब ये वाला ट्रेंगल ले लो पी ए ओ में, ये 40 है, ये 90 है, 130 180 में से गए 50 डिग्री, क्लियर। फोर्थ इज इम्पोर्टेंट, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टर्न एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या कहा गया, एक सर्कल की दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाए डायमीटर को, प्रूव दैट एट द एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड पर अगर दो पैरेलल ड्रॉ की जाए तो प्रूव करो पैरेलल होती है, ये डायमीटर है, अगर ऐसे भी ले लोगे तो भी वो पैरेलल दिखाई दे जाएंगी, ये हमने प्रूव करना है पैरेलल। देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एंगल 190 डिग्री, पॉइंट ऑफ टू, ये दोनों एंगल कैसे हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल टू लाइंस आर पैरेलल। फिफ्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या प्रूव करना है, ध्यान से सुनिए, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, कि ये जो इस पर कॉन्टैक्ट पर आता है परपेंडिकुलर, वो सेंटर से क्रॉस करता है, ये देखना है। इन द गिवन फिगर ए एक्स बी इज टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ओ एक्स इज परपेंडिकुलर, अब ये एंगल क्या है ए एक्स परपेंडिकुलर, ए एक्स बी एट द पॉइंट कॉन्टैक्ट एक्स, ओ एक्स बी प्लस बी एक्स वाई, ओ एक्स बी प्लस ओ एक्स बी प्लस बी एक्स वाई, ये वाला एंगल 90 180, इसका मतलब क्या है, ओ एक्स वाई क्या है, कोलिनियर है, जो कोलिनियर है तो ये सीधे स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, तो वो सेंटर से ही पास हो रहा है। हाँ जी, सिक्स्थ, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, ये पहले क्वेश्चन की तरह है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, ये एक टेंजेंट है, सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और उस टेंजेंट की लेंथ 4 है, तो ये रेडियस निकालिए, 5² - 4² बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह से, 5² - 4² 25 - 16, 9 9² = 3 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए, वो सर्कल जो एक ही सेंटर से लगाया जाए, यहाँ खड़े एक पॉइंट से एक सर्कल, उसी पॉइंट से दूसरा, तो एक 3 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विथ द स्मॉलर सर्कल। देखिए गिवन फिगर पी क्यू इज ए कॉर्ड, ये क्या है, बड़े सर्कल की कॉर्ड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट है, ठीक है ना, और हमने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, यानी कि हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है। अब देखो अगर मैं ओ को आर से मिला दूं तो ये छोटे सर्कल की रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर, और OP क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस है 5, ठीक है ना, और ये इस पर जब टच करती है, टेंजेंट पर टच करती है, जो परपेंडिकुलर होती है OR P के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये टच हो रही है, इस पर ये परपेंडिकुलर, ये 3 सेंटीमीटर और OP 5 सेंटीमीटर, तो हमने पाइथागोरस से पी आर निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ हमने जब ये पढ़ी कि जब इस पर परपेंडिकुलर है, तो हमने 8वीं क्लास में पढ़ी हुई एक चीज़ है कि सर्कल की कॉर्ड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है उसको बाइसेक्ट करता है, तो पी आर और आर के ओ भी इक्वल है। अब देखो ओ पी ओ के ओ 5 सेंटीमीटर, ओ आर 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, पी के ओ टेंजेंट है, तो बाय थ्योरम से इस पर परपेंडिकुलर है, फिर वैसे ही
परपेंडिकुलर से हमने इतना बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन उसने ये हमें बताया है कि ये इक्वल कैसे आता है। अगर हम इसको यहाँ मिलाकर थ्योरम ना भी यूज़ करें, उसने ये बताया हमें, ये मिला दिया, तो ये दो ट्रायंगल ले लिए पी ओ आर और आर ओ के ओ, ओ पी और ओ आर इक्वल है, ओ आर कॉमन है, ईच एंगल 90 डिग्री, आर एच जैसे ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, तो क्या हो जाएगा ये पी आर और आर के ओ इक्वल आ जाएंगे। हमने पाइथागोरस से पी आर निकाल लिया, तो पी के उसका डबल आ जाएगा 2 × 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक है, आगे हैं 8 से है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, फिर तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाएगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। बाय बाय।